आज दिनांक 23 जून 2024, दिन रविवार को सिविल लाइन स्थित गोरखपुर क्लब के सभागार में इंटैक द्वारा गोरखपुर में द्वितीय आम महोत्सव का भव्य कार्यक्रम हुआ। इंटैक का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हो रही आम की प्रजातियों को संरक्षित करने का है, जिसमें गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप, उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, गृह विज्ञान विभाग, दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं कृषि विज्ञान केंद्र ने भी अपना मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया। इसके अतिरिक्त कई स्टार्टअप एवं स्वयं सहायता समूह व कृषि उत्पादक समूह की भी सहभागिता रही। शहर के लोग इस प्रदर्शनी में अपनी पसंद के आम की खरीदारी की। इसमें प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें आम से बने खाने पीने के सभी विभिन्न व्यंजन जैसे जैली आदि को उसके गुणवत्ता व स्वाद के अनुसार चुना गया व पुरस्कृत किया गया। इस महोत्सव के बारे में प्रबुद्ध जनों के क्या राय थे, आइए जानते हैं। सर, ये गोरखपुर में जो द्वितीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो भी काश्तकार लोग हैं जो खेती करते हैं आम की, और भी जो आम जनता है गोरखपुर की, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। उनको बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से आम की खेती को करें, और आम में जो कीड़े लग जाते हैं, आम में जो परेशानियाँ पैदा होती हैं, वो डॉक्टर भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप इस तरीके से करें तो इस तरीके से ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी होगा और आम ज़्यादा बेहतर भी होगा। और दूसरी चीज़ कि जो लोग आम को कच्चेपन भी तोड़ लेते हैं, उसको पाल लगाने के लिए, पाल लगा के भी आम पकता है, तो उसको भी वो बता रहे हैं कि किस तरीके से, किस वक्त पे वो आम को तोड़ें, किस वक्त पे कैसे वो करें, ये सारी चीज़ बता रहे हैं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है कि जो लोग आम का काम करते हैं, आम की पूरी उनका बगीचा है, तो यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं, जमींदार लोग भी आए हुए हैं और आम जनता भी आई है गोरखपुर की। देखिए, मैं गोरखपुर से हूँ, आदिल अमीन मेरा नाम है, और मैं यहाँ से एक समाज सेवी हूँ और SC ST का सदस्य भी हूँ, समाज कल्याण। मेरा नाम गौतम गोरखपुरी है। अगर यहाँ देखा जाए तो लोकल एरिया से ज़्यादा लोग आए हैं, और लोकल एरिया में क्या है, प्रशिक्षण सही से नहीं मिल पाता है, तो वो लोग आम तो लगाते हैं लेकिन आम का प्रोसेस क्या होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे आम को देखभाल करना है, क्योंकि अधिकतम आप गांव की तरफ जाएंगे तो लोग उतना उस तरीके से नहीं प्रशिक्षित हैं जिस तरीके से शहर के लोग हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उन लोगों को, कैसे आम की खेती करनी है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पर। देखिए, गोरखपुर की बहुत सारी संस्थाएं हैं, एक इंटेक संस्था है जो हमारे पुरातत्व या जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनका संरक्षण करता है उसके तहत, और जो हमारे शहर में प्राणी उत्थान है, राजकीय जो उद्यान केंद्र है, वो लोग एकत्रित होकर के इस बात की आवश्यकता कि देखिए यहाँ पर आप जब जाएंगे अंदर तो आपको तरह तरह के फल देखने को मिलेंगे, आम की विभिन्न वैरायटियाँ जो आम तौर पे मार्केट में नहीं मिलती हैं, लोग अपनी अपनी देखभाल के लिए लगाते हैं, उनको ले आया गया है कि डिस्प्ले किया जाए, आम लोग उसको देख सकें कि ये फल होता कैसे है। दूसरी बात कि अगर हम पैदावार जब कोई भी आदमी करता है, किसान जब खेती करता है, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आप यकीन मानिए, जो आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं वो दिल्ली से आए हुए हैं, जिन्होंने कुछ 400 से ज़्यादा जो है वो मैंगो फेस्टिवल को अटेंड किया है, तो वो विभिन्न प्रकार की जो भी कमियाँ हैं, जो भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जाए उस पर लेकर के वो विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि लोग अपने अपने बागों से कुछ ना कुछ जो है फल तोड़ करके लाए हैं, जो सेल भी कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि आम जनता उनसे जुड़े, उन चीज़ों को देखे और महसूस करे कि इतने प्रकार के आम होते हैं। शायद आपको पता हो कि लखनऊ में मलिहाबाद एक जगह है जो बहुत मशहूर है आम के लिए, और अभी एक साहब है मलिहाबादी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने एक ही पेड़ पर 300 से ज़्यादा कलम लगा करके विभिन्न प्रकार के आम एक ही पेड़ में 300 से ज़्यादा वैरायटियां पैदा की, जिसके लिए उनको 2008 में जो है बाकायदा पद्मश्री दिया गया। तो ये एक सराहनीय है, और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शहर है, तो यकीनन जो नए लोग हैं जो इस तरह की खेती करते हैं उनको फ़ायदा भी मिलेगा और आमजन को सीखने और देखने का मौका मिलेगा। आज इंटेक के द्वारा जो आम महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, और एक ही छत के नीचे इतने सारे आम की वैरायटीज देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये आम की वैरायटीज को देख करके। ये फिर से नया कंसेप्ट लाए हैं अब बच्चे लोग, पहले तो जमाने में हम लोग लीची के इस तरह के कॉम्पिटिशन्स किया करते थे, कॉम्पिटिशन्स एंड एग्जीबिशंस दोनों किया करते थे, मेरे घर में ही हुआ करती थी, और अब तो ये है कि बच्चों ने फिर ये स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा लगा देख करके भी, इसकी स्मेल, हर चीज़ की जानकारियाँ हो रही हैं,
यूनिवर्सिटी से दिव्या सिंह जी ने बताया, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ इतना कैलोरीज हम लोग खाते हैं, ये करते हैं, तो उससे मालूम होता है, जानकारियाँ होती हैं, तो और अच्छा लगता है। ये बहुत सुंदर आयोजन हुआ है जो कि इंटेक होम साइंस डिपार्टमेंट DDU और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये जो विलुप्त होते हुए जो आम के वैरायटीज हैं इनके बारे में पता चला है, और जागरूक हम लोग हो भी रहे हैं कि वाकई जो विलुप्त हो रही हैं पैदावार, वो उनको कैसे बचाया जाए। तो ये बहुत ही सुंदर एक प्लेटफॉर्म मिला है सबको, और बहुत से स्टार्टअप्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपने पुडिंग्स और अपनी डिस्प्ले किया है, और रेसिपी कॉम्पिटिशन में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर निशी अग्रवाल, प्रिंसिपल SS अकेडमी। ये आज का जो आम महोत्सव लगा है ये इंटेक होम साइंस डिपार्टमेंट DDU उद्यान विभाग महायोगी गोरखनाथ कृषि विकास केंद्र और 91.9 FM के संयुक्त तत्वाधान में ये आम का महोत्सव आयोजित किया गया है। ये गोरखपुर में दूसरी बार हो रहा है और इसका उद्देश्य है कि आम की जितनी भी यहाँ पे प्रजातियाँ होती हैं उन प्रजातियों का संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता क्रिएट करने के लिए। ये इंटेक का भी ध्येय है। इंटेक एक ऐसी संस्था है जो कंजर्वेशन और अवेयरनेस, संरक्षण और जागरूकता की तरफ काम करता है, तो उसी उद्देश्य से हम लोग ये आम के लिए कर रहे हैं। आज इस महोत्सव में करीब 40-45 प्रजातियों से ज़्यादा डिस्प्ले पे हैं। इसके अलावा हमारा एक साइंटिफिक सेशन हुआ था जिसमें बाहर से विशेषज्ञ आए हैं, जो लोग आम उगाने वाले आम के बागीचों के ओनर्स को, उनके फार्मर्स को बहुत अच्छी जानकारी दिए हैं आम के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे एक मैंगो रेसिपी कॉम्पिटिशन रखा गया है, और कुछ स्टार्टअप्स हैं जो नए युवा पीढ़ी है उनका स्टार्टअप है, जिन्होंने उन्होंने आम से बनाए हुए व्यंजनों को यहाँ पे परोसा है। अगर पाली के कम से कम 30-35 पौधे हैं जी, लगभग उसमें कितना आपका मान करके चलिए हर पौधे में लगभग 70 किलो 60 किलो 80 किलो 100 किलो इस तरह से भरा हुआ है। अभी नया पौधा है जी। तोड़ने का मतलब ये है जब तक आपको इसको पौधे से तोड़ेंगे नहीं तब तक पकेगा नहीं, अगस्त तक आप इसको पौधे पे रोक सकते हैं, ठीक है, जब तोड़ेंगे तो तुरंत पक जाएगा। और दूसरी खासियत ये है कि हर साल इसमें फलत आती है। तो ये सारे आइटम जो है घर का टेस्ट हम देते हैं और घर पे मसाले तैयार करके हम इसको बनवाते हैं। मार्केट का कोई तैयार मसाला नहीं, खड़े मसाले मंगवा के घर की मिक्सी में पीस के सारा यूज होता है। इसकी आइडियाज आपको कहाँ से मिले? जी इसकी आइडियाज हमारी छोटी सिस्टर है, उससे हमें मिला है, उसने हमें बहुत किया है, इनकरेज किया है। श्रीखंड रबड़ी और मैंगो पुडिंग, मैंगो सागो, दूध, आम, कस्टर्ड पाउडर और इलायची, ड्राई फ्रूट। बाहर भी आपने घर पे आइटम वही है, गुड आफ्टरनून मैम, ये कैसी मैम आपने जो बनाया है मैंगो भापा दोई, ये कैसे बनता है बताइए इसके बारे में। ये एक्चुअली स्टीम में पकता है, इसमें से सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है, मैंगो कर्ड एंड कंडेंस्ड मिल्क, और इसमें कर्ड का भी पानी निकाल दिया गया है, बिल्कुल छान कर उसको बनाया गया है, तो ये टोटली हेल्दी है क्योंकि स्टीम में पकाया हुआ है। तो अभी इसको आपने कैसे सीखा है, कहाँ से सीखा है? यूट्यूब से। हाँ, ये इंटेक और गोरखपुर यूनिवर्सिटी और उद्यान विभाग और महायोगी गुरु गोरखनाथ के इस जॉइंट कोलैबोरेशन में ये आम महोत्सव लगाया जा रहा है, लगाया गया। ये हमारा दूसरा इवेंट है, पिछले साल हम लोगों ने वहाँ लगाया था हुई पानी। जब मैं वक्त बता दूँ, मैं नीरज अस्थाना हूँ एंड आई एम एन इंटेक मेंबर आल्सो, और मेरा फार्म है जहाँ हमने बाग लगाया हुआ है। तो ये फल जो आप जो देख रहे हैं, ये जो फल जो देख रहे हैं ये हमारे बाग के ही हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा है ये है मालदा कहलाता है, ये
ये गोरखपुर का लोकल आम है और अब धीरे धीरे ये विलुप्त हो रहा है, ये विलुप्त प्रजाति में है क्योंकि इसके पेड़ भी अब खत्म हो रहे हैं। एक ये हमारे पास तो सर ऐसा क्यों, पेड़ क्या काटे जा रहे हैं क्यों? पेड़ पुराने भी हो गए हैं, कोई नया इनकी ये वैरायटी लगा नहीं रहा है, इनकी प्रोपगेशन नहीं हो रही है और जो पुराने हैं वो पुराने होकर के धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं जब तक इनका नया। हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि जो ऐसी वैरायटीज हैं जो विलुप्त हो रही हैं उनका प्रिजर्वेशन किया जाए, उनको किसी तरह से रोका जाए, उनको रीट्रांसप्लांट करें। जब तक नए पेड़ नहीं लगेंगे तो पुराने पेड़ धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। ये हमारा एक नया आम है, ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसकी ढेपी लाल होती है और मजबूत होती है तो ये गिरता नहीं है और ये भी ये वेस्ट बंगाल का असल में आम है। हमारे पास एक ही आम है, ये बारहमासी है, ये साल में दो बार फलता है और एक बार अभी हो रहा है और फिर इसके बाद ये बार फिर फ्रूटिंग उसमें आ गया, फ्लावरिंग में आ गया और अब ये नवंबर में ये दोबारा इसमें फ्रूट आ जाएगा। ये गोरखपुर का लंगड़ा है, ये डिफरेंट है बनारसी लंगड़े से, बनारसी लंगड़ा इस कपूरी और ये जो है ये गोरखपुर का लंगड़ा, ये हमारे आसपास के क्षेत्रों में ही पाया जाता है। ये जो नॉर्मल का कपूरी है ये आम्रपाली है जो मल्लिका और नीलम की क्रॉस ब्रीड है, ये अभी नई वैरायटी है। इसकी खासियत ये है कि इसके पौधे में हर साल फल आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साल आते हैं और एक साल ना। और बाकी ये हमारा चौसा है, ये चौसे की वैरायटी बहुत ही अच्छी है, ये लखनऊ से पेड़ लाए थे हम इसमें और काफ़ी हैवी है, काफ़ी बड़े आम है ये, तीन ही आम चौसा के यही है सर। और सर जैसे आपका ये आपने पौधे पेड़ लगा रखे हैं तो ग्राफ्टिंग वगैरह भी सर स्वयं करवाते हैं? नहीं, ग्राफ्टिंग नहीं कराते हैं, माली आता है वो कुछ ग्राफ्टिंग करता है लेकिन ज़्यादातर हम पौधे बस्ती बंजरिया फार्म से ले आते हैं, लखनऊ से ले आते हैं, कुछ पौधे हमारे हाजीपुर से हम ले आए हैं यहाँ लगाने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू।